जब नाम हो जाए, अखबार में तस्वीर छप जाए, तो फिर हम भी जमीन से 2-3 फीट ऊपर चलते हैं ना, फिर पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है ना। फिर घर में भी देखिए, मुझे कोई काम मत होता है, मैं नेशनल लेवल लेकर, ऐसा होता है ना। हाँ, तो क्या है, ऐसा करोगे आप लोग, पैर जमीन पे रखोगे? तो उनको देख के इंस्पिरेशन बहुत मिलती है और उनकी ये बात बहुत इंस्पायर करती है कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन अपनी रूट्स कभी नहीं भूलना चाहिए। यू शुड नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम। जो संकल्प लेके चल रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें भी हमें अपना योगदान देने का अवसर दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। चेस वॉज इन्वेंटेड इन आवर कंट्री, बट बाई इन्वेंटिंग 6, 12 and 60 प्लेयर चेस, I took the glorious past of India further. The country keeps on motivating these kind of kids, then obviously the country's grow further and grow in a very positive intent. कोई भी अवार्ड मिले हमें बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी, मैंने एक स्टिक का इनोवेशन किया था जो कि पार्किंसंस पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है, उन्हें चलने में मदद करता है। वाज वेरी फ्रेंडली विद अस और उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की, जैसे वो हम में से ही एक हैं। द मेन मैसेज आई लर्न फ्रॉम हिज स्पीच दैट आफ्टर विनिंग दिस अवार्ड और आफ्टर विनिंग एनी बिग अचीवमेंट, यू शुड चेरिश इट बट यू शुड स्टिक टू द ग्राउंड। मैंने 12 साल की उम्र में एक सैद्धांतिक किताब लिखी थी जिसका नाम था व्हेन द टाइम स्टॉप्स। तो छोटी उम्र में मैंने एक सैद्धांतिक और मैंने उसमें अपने खुद के सिद्धांत लॉस थ्योरीज लिखी, इसलिए मुझे ये नेशनल चाइल्ड में बाल शक्ति पुरस्कार मिला। तो इज ऑल्सो टॉक्ट अबाउट वेरी सिंपल थिंग्स लाइक हाउ वी हैव टू ड्रिंक वाटर एंड इज ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द इम्पैक्ट दैट द अवार्ड शुड हैव ऑन अस। उनकी जो सबसे खास बात मुझे लगी कि उन्होंने कहा था कि इस पुरस्कार को अंत नहीं अपने जीवन के एक नए पड़ाव का आरंभ को समझो। अगर कुछ किया, किसे कहीं रिकग्नाइज हुआ, तो उसी को वो अपनी प्रेरणा बना देते हैं, उसी को अपनी प्रतिज्ञा बना देते हैं, उसी में से पुरुषार्थ करने के रास्ते खोजते रहते हैं और वे नई नई चीजों को हासिल करने के लिए रुकते नहीं, थकते नहीं। मैं चाहूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में वो दूसरे प्रकार के आदतों को घुसने ही मत दें। अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं, ऐसा ही मान के जाए। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, देश को बहुत कुछ देना है, खुद को हर प्रकार से तैयार करना है, ये अगर जज्बा लेकर के जाते हैं तो आप देखिए, आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनंद होगा।